हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज बहुत ही पुण्य दिन है, पवन दिन है। अभी शाम के समय में चारों तरफ फटाके हो रहे हैं, लोग अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, भंडारा प्रसाद चल रहा है। मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। ये भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया है विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास, और लोग इतना अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पूरा भक्ति भाव से सब हमारे भाई लोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, और लोगों की एकदम तन मन से सेवा कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर वहाँ पे खड़े होकर भाइयों को देख रही थी कि एकदम बिना परेशान हुए, बिना थके हुए, लगातार वो बांटते जा रहा है। ख़त्म हो रहा, फिर आ रहा, फिर बांटते जा रहे हैं। तो ये एक लगन है, आस्था है, भक्ति है। आज पूरा संसार जो है बोलेंगे कि राममय हो गया। आज हमारे राम जी सबके साथ हर्षोल्लास के साथ अपने पदार्पण किए हैं, और इसका आभास हमको मिल रहा है, अनुभूति हो रही है, महसूस हो रहा है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे राम, आप सभी को स्वस्थ रखे, निरोग रखे, और सभी को सद्बुद्धि दे कि वो अच्छा आचरण करे, अच्छा सोच रखे, सभी माताओं के प्रति, बहनों के प्रति। यही मैं श्री राम से विनती करती हूँ कि राम आप आए हैं, रामराज लेके आए हैं, ये सारे पापों का विनाश करे, सबको सुबुद्धि दे, सबके मन में शांति दे, संतोष दे, और सब परिवेश को सुखमय कर दे, सबको अच्छा बुद्धि दे। देखिए, ये बर्तन ख़त्म हुआ, फिर से आ गया। तो यही मैं देख रही थी कि कितने अच्छे से हमारे भाई लोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। ये अभी छोले और ये चावल है, पुलाव जैसा है, जीरा राइस। तो मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद लिया था, और इस तरीके से देखिए बहुत टेस्टी बना था, थोड़ा सा मैंने चखा हुआ था प्रसाद।